हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्री ओके जो भी हमने अब तक स्टडी किया है मीन जो भी ग्रुप थ्री ये करेक्टर टेबल किया है मेन इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ओके मेनली जो इसकी एप्लीकेशंस है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में है ओके okay, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये कौन सा मोड आई एक्टिव है या कौन सा मोड आई आर इनएक्टिव है रमन एक्टिव है या रमन इनएक्टिव है ओके वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड हमारे पास रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओके सो अब देखो सबसे पहले हमने देखना क्या है हम ट्रिक से ही चलते हैं ओके सबसे पहले हमने देखना क्या है कि जो हमारी रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कितने हमारे पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं सो so, हमने लास्ट वीडियो में सी टू वी के लिए कैलकुलेट के किया था जब मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर का था ओके सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल वाटर का है ओके वाटर में हम जो जो थ्री एन के साथ हमारे पास थ्री एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ जो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आती है ओके उसमें कितनी इ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती हैं थ्री ए वन होते हैं प्लस ए टू होते हैं प्लस थ्री बी वन होते हैं एंड बी टू बी टू होते हैं ओके टू बी टू सो ये हमारे पास आ गया था रेड्यूसीबल रिप्रेजेंटेशन एंड इड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रिलेशन बिटवीन रेड्यूसीबल एंड इेड्यूसीबल रिप्रेजेंटेशन सो अब देखो हमने सबसे पहले देखना है ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओके अगर हम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखते हैं ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम के लिए आपने देखना क्या है कि जो थर्ड कॉलम होता है ओके थर्ड कॉलम में एक्स या फिर वाई या फिर जेड कह, कहाँ कहाँ प्यार है ओके okay, ये देखो अगर हम ए वन देखें ए वन में जेड आ रहा है सो so मीन्स एक ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ए वन का है ओके अगर हम देखें ए टू में कोई भी जेड एक्स वाई जेड नहीं आ रहा सो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है बी वन का है बी टू का भी है सो बी वन के लिए भी हमने लिख लिया एंड बी टू के लिए भी हमने लिख लिया ओके सो नेक्स्ट हमने देखना है रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आपने क्या देखना है थर्ड कॉलम में आर एक्स आर वाई एंड आर जेड कहाँ कहाँ है ओके okay, देखो थर्ड कॉलम में आर 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 जेड ए आर वाई ए आर एक्स ए मीन्स ए टू बी वन एंड बी वन ये क्या है हमारे पास ए टू बी वन एंड बी टू ये क्या है रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने ए टू के नीचे ए टू लिख लिया बी वन के नीचे बी बी वन लिख लिया बी टू के नीचे बी टू लिख लिया सो so, अगर हम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम को टोटल डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम ओके सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम क्या आ गई हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आ गई ए वन हमने थ्री ए वन में से ए वन कम कर दिया तो टू ए वन आ गया ए टू में से ए टू गया मीन्स जीरो थ्री थ्री बी वन में से टू बी वन चले गए मीन्स हमारे पास क्या रह गया बी वन टू बी टू में से टू बी टू चले गए मीन्स जीरो ओके सो हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं टू ए वन प्लस बी वन अब हमने देखना है इन वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से आई आर एक्टिव एंड आई आर इनएक्टिव या फिर रमन एक्टिव एंड रमन इनएक्टिव ओके सो देखो टू ए वन है एंड बी वन है हमने देखना है आई आर एक्टिव आई आर एक्टिव देखने के लिए आप देखोगे कि ए वन के सामने एक्स वाई जेड है ए वन के सामने एक्स वाई जेड है हाँ है तो अगर तो एक्स वाई जेड है फिर तो वो क्या है आई आर एक्टिव अगर एक्स वाई जेड में से कुछ नहीं है सो वो क्या हो जाएगा आई आर इन एक्टिव ओके सो एक्स वाई जेड है मीन्स हम क्या लगा देंगे टिक लगा देंगे आई आर एक्टिव मोड है ओके okay? अगर हमने देखना है रमन एक्टिव अगर हम आई आर एक्टिव बी बी वन को देखें बी वन के सामने एक्स है सो ये भी क्या है हमारे पास आई आर एक्टिव अगर हमने रमन देखना है रमन रमन देखने के लिए हम क्या करेंगे ये जो फोर्थ कॉलम है फोर्थ कॉलम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओके okay, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो बेशक वो एक्स स्क्वेर हो बेशक वो एक्स वाई हो कुछ भी हो लेकिन क्वाड्रेटिक है तो वो क्या हो जाएगा रमन एक्टिव ओके okay? सो so अब देखो अगर हम ए वन को देखें ए वन रमन एक्टिव यस है अगर हम बी वन को देखें बी वन भी क्या है रमन एक्टिव एक्सडेड है सो so ये भी बी वन भी क्या है हमारे पास रमन एक्टिव ओके सो आई आर आई आर एक्टिव टू ए वन है एंड बी वन है रमन एक्टिव टू ए वन है एंड बी वन है सो ये तो हमारे पास हो गया आई आर एक्टिव एंड रमन एक्टिव नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर मोड्स ओके कि इन सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से जो हमारे पास पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कितने हैं ओके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं ये वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यो टू ए वन एंड बी वन इनमें से पैरेलल कौन से हैं एंड परपेंडिकुलर कौन से हैं ओके सो पैरेलल so, एंड परपेंडिकुलर को देखने के लिए हमने देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है या एसमेट्रिकल है सो so, देखो पैरेलल कब होगा जब ए ए होगा एंड परपेंडिकुलर कब होगा जब भी होगा क्योंकि जब प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू ऑ सिमेट्रिकल होता है हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay? सो so, जो भी रिप्रेजेंटेशन ए की होगी वो पैरेलल मोड होगा जो भी रिप्रेजेंटेशन बी की होगी वो परपेंडिकुलर मोड होगा सो so, अगर हम देखें टू ए वन एंड बी वन में से जो हमारे पास पैरेलल मोड है पैरेलल मोड कौन सा है ए वन है बी वन नहीं है अगर हम परपेंडिकुलर मोड देखें तो परपेंडिकुलर ए वन नहीं है बी वन है ओके सो ऐसे हमने पैरेलल एंड पर पेंडिकुलर मोड्स देखने होते हैं ओके okay, अगर हमारे पास इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन पूछा हुआ है इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन आउट ऑफ प्लेन जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं बेंडिंग मोड्स होते हैं इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन वो कौन कौन से होंगे आई में से वो कौन कौन से होंगे ओके वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू ए वन एंड बी वन है इनमें से कौन सी इन प्लेन होंगी और कौन सी आउट ऑफ प्लेन होंगी उसको देखने के लिए हमने देखना है कि वो सिग्मा एच के विद रिस्पेक्ट टू तो सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है ओके okay? सो so, अगर तो सिमेट्रिकल है सिग्मा एच के विद रिस्पेक्ट टू तो फिर आपने इन प्लेन लेना है अगर सिग्मा एच के विद रिस्पेक्ट टू तो असिमेट्रिकल है तो आपने आउट ऑफ प्लेन लेना है ओके okay, सो so ये तो हमारे पास इसमें तो नहीं है इसमें तो कोई भी सिग्मा एच नहीं है सी टू वी में तो ओके okay, जिस भी मॉलिक्यूल में होगा सिग्मा एच होगा वहाँ पे आपको इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस भी देखनी होंगी ओके okay? उसके लिए आपने सिग्मा एच को देखना है सो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाते हैं सबसे पहले आपने ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी है फिर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी है फिर उन दोनों को सब्टैक्ट करके टोटल में से वो आपके पास वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ओके okay, फिर वहाँ से आप आई आर एक्टिव एंड रमन एक्टिव मोड्स निकाल सकते हो ओके okay? अगर आपको रमन एक्टिव एंड आई आर एक्टिव पैरल एंड परपेंडिकुलर निकाल सकते हो इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन मोड्स निकाल सकते हो देखो कितना कुछ आपको पता चल गया सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर टेबल से ओके okay? सो so, अब हम कर रहे हैं ये तो हमारा था वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का एंड आई आर एंड रमन निकालने का ओके okay? वैसे भी आपने देखना है ओके okay? जहाँ पे हमारे पास कोई भी मोलिकुल है किसी भी मॉलिक्यूल में ना सेंटर ऑफ सिमिट्री है जैसे हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओके उस प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री है उस मॉलिक्यूल में जो भी मोड आई आर एक्टिव होगा वो क्या होगा रमन इनएक्टिव या फिर आई आर इनएक्टिव होगा वो रमन एक्टिव होगा ओके जो मोड आई आर एक्टिव है वो रमन इनएक्टिव जो मोड आई आर इनएक्टिव है वो रमन एक्टिव सो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग आई ओके मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग आई जिन मॉलिक्यूल्स में आई होगा ओके okay? अगर तो वो आई के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है ओके okay? अगर तो वो आई के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है या फिर आई के विद रिस्पेक्ट टू एंटी सिमेट्रिकल है अगर सिमेट्रिकल है तो हम उसको क्या लिखते हैं जी लिखते हैं अगर एंटी सिमेट्रिकल है तो उसको क्या लिखते हैं हम यू लिखते हैं ओके okay? ये हमने पहले वीडियो में देख लिया जब हम सिंबल देखते हैं सो जी एंड यू अगर तो आपके पास वो रिप्रेजेंटेशन जी है ओके okay? वो रिप्रेजेंटेशन जी है सपोज ए टू जी है या बी टू जी है ओके okay? वो तो होगा आपके पास रमन एक्टिव रमन एक्टिव ओके okay? आपको ना सिंपली एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस दे देते हैं इनमें से रमन एक्टिव कौन सी होगी रमन एक्टिव कौन सी होगी जिसके साथ जी होगा जिसके साथ यू होगा वो क्या होगी रमन इनएक्टिव रमन इनएक्टिव ये कब देखना है जब मॉलिक्यूल में आई हो जब मॉलिक्यूल में हमारे पास आई हो ओके मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता हो ये रमन एक्टिव है मीन्स जी वाले आई आर इनएक्टिव होंगे जो यू वाला रमन इनएक्टिव है मीन्स जो हमारे पास आई आर एक्टिव है ओके okay? सो so, ये तो था हमारे पास एप्लीकेशन इंस्पेक्ट्रोस्कोपी अब हम यहाँ से और क्या देख सकते हैं ग्रुप थ्री की और एप्लीकेशन क्या क्या हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ओके okay, कोई भी अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं वो ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं अलाउड यहाँ पे क्या था ए टू था यहाँ पे ई या था कोई भी ट्रांजिशन कर रहे हैं वो ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं अलाउड ओके okay, जो हमारे पास ए वाली होती है फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है सबसे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है सबसे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मीन्स हम इस रिप्रेजेंटेशन को ग्राउंड स्टेट मानते हैं ओके okay, सबसे सिमेट्रिकल होती है मीन्स इसकी एनर्जी सबसे कम होती है इसको हम क्या मानते हैं ग्राउंड स्टेट ओके आपको दे सकते हैं कि अगर हम ग्राउंड स्टेट से बी टू तक ट्रांजिशन करते हैं तो क्या वो अलाउड है या नहीं अलाउड ओके सो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है आपने सबसे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग सारे हमारे पास क्या हो प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो ओके सो कब हमारे पास जो जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होगी या नॉट अलाउड होगी अब देखो जैसे हम ए वन से बी टू ट्रांजिशन कर रहे हैं ए वन से बी टू ट्रांजिशन कर रहे हैं ये अलाउड कब होगी अलाउड इफ द रिजल्ट इज इफ द रिजल्ट इज हैविंग एक्स वाई और जेड ओके मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बनेगी उसके साथ एक्स वाई जेड हो ओके okay? सो so हम देखो हम ए वन इंटू बी वन कर रहे हैं ओके ए वन से बी टू की हम देख रहे हैं जो ट्रांजिशन है ओके okay? सो so, हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू वन 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 इंटू माइनस वन माइनस वन वन इंटू माइनस वन माइनस वन वन इंटू वन वन हमारे पास क्या बन रहा है वन माइनस वन माइनस वन वन मीन्स ए वन से अगर हम बी टू की ट्रांजिशन कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहा है बी टू के इक्वल ही आ रहा है और बी टू के साथ देखो थर्ड कॉलम में वाई है सो so, ये ट्रांजिशन क्या है अलाउड है ओके okay? सो so, ये ट्रांजिशन क्या है अलाउड है सपोज हम कोई भी ट्रांजिशन करें और उसका रिजल्ट हमें ए टू मिले उसका रिजल्ट हमें ए टू मिले ए टू के थर्ड कॉलम में कोई भी हमारे पास एक्स वाइजर नहीं है सो so, वो वाली ट्रांजिशन क्या हो जाएगी नॉट अलाउड फॉर बिटन ओके सो ये होता है हमारे पास कि हमने देखना है कोई भी ट्रांजिशन अलाउड है कि नहीं है ओके okay? सो so, एक ना आपको पूछा जाता है कि हम जैसे कोई भी ट्रांजिशन कर रहे हैं जैसे हमने ए वन से बी टू ही की थी ए वन से बी टू ट्रांजीक्शन कर रहे हैं ए वन से अगर हम बी टू ट्रांजीक्शन कर रहे हैं वो एक्स पॉलियराइज है वाई पॉलिराइज है या फिर येड पॉलिराइज है ओके एक्स पोलराइज वाई पोलराइज और येड पोलराइज सो आपने क्या करना है ए वन को बी टू के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है दो, दो जो जो रिजल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को देखना है कि वो किसके साथ मैच कर रहे हैं सपोज हमारा जो ये रिज़ल्ट था वो बी के साथ ही मैच कर रहा था सो थर्ड कॉलम में वाई है ना सो so, मेन जो ये वाली ट्रांजिशन है ये क्या y है वाई पोलराइज्ड है ओके ये वाली ट्रांजिशन क्या होगी वाई पोलराइज्ड। अगर हम ए वन इंटू करें ओके okay, अगर हम ए वन से बी वन ट्रांजिशन कर रहे हैं ए वन से बी वन ट्रांजिशन का मतलब वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन बन रहे मीन्स हमारे पास बी वन बन रहे ओके ए वन से अगर हम बी वन जा रहे हैं तो बी वन बन रहे सो so मीन्स हमारे पास ये क्या है एक्स पॉलिराइज है ओके okay, अगर आप ए टू से बी वन करो ए टू से बी वन वन माइनस वन माइनस वन वन ये क्या हो जाएगी वाई पोलराइज ओके सो ऐसे आपने देखना होता है कोई भी ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन है या फिर वो कौन सी एक्सिस के पॉलिराइज है ओके सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशन क्या आप पॉइंट ग्रुप देख के बता सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल कौन सा रोटर है ओके सो टाइप्स ऑफ रोटर कर रहे हैं अब हम टाइप्स ऑफ रोटर सो सबसे पहले हमारे पास होता है लीनियर रोटर इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और ईजी भी इतने हैं, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं लीनियर रोटर लीनियर रोटर्स का जो भी मॉलीक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप सी इन्फिनिटी वी होगा या फिर डी इन्फिनिटी एच होगा वो क्या होते हैं लीनियर रोटर मीन्स लीनियर मॉलिक्यूल्स ओके या फिर आप कह सकते हो लीनियर मॉलिक्यूल्स ओके नेक्स्ट आपके पास आते हैं सफेरिकल रोटर सफेरिकल रोटर सफेरिकल रोटर कौन से होते हैं जिनका पॉइंट ग्रुप होता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल या फिर टी एच ओ ओके okay, ये सारे पॉइंट ग्रुप्स मैंने आपको पहले करवा रखे हैं इन सभी में से अगर उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप है तो वो कौन सा रोटर है सफेरिकल रोटर या फिर हम क्या क्या कह सकते हैं उसकी क्यूबिक सीमेट्री है क्यूबिक सीमेट्री ओके okay, तो वो कौन सा रोटर होगा सफेरिकल रोटर नेक्स्ट हमारे पास आता है सीमेट्रिक रोटर एंड ओ रोटर सीमेट्रिक रोटर एंड ओ रोटर ओके सो सिमेट्रिक रोटर में क्या होता है कि जो हमारे पास सी एन एक्सिस होती है ओके सी एन एक्सिस होती है ये एन जो है हमारे पास ग्रेटर देन टू होगा ओके एन ग्रेटर देन टू होगा कितनी भी मर्जी एक्सिस हों बट उस वो क्या है सी टू ना हो ओके okay. जि, जिन जिन में सी टू एक्सिस नहीं होती ओके okay? उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रोटर जिन मॉलिक्यूल्स में सी टू एक्सिस होती है जिन मॉलिक्यूल्स में C2 टू एक्सीज होती है उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ओस्टमेट्रिक रोटर ओके इसमें सी एन एक्सिस है हम लिख सकते हैं n इज लेस दैन और इक्वल्स टू टू ओके सो so, जिन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास C2 टू एक्सीज होती है वो होते हैं ओस्टमेट्रिक रोटर फॉर एग्जाम्पल आपको आया ही हुआ है एग्जाम में कि किस मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल ओस्मेट्रिक है ओके आपने बताना है कौन सा मॉलिक्यूल ओस्मेट्रिक है आपके पास एग्जाम्पल्स हैं बी एच टू सी एल अमोनिय, अमोनिय है अमोनिया है ओके अमोनिया है आपके पास एंड आपके पास है सी एच फोर ओके इन मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल अर्समेट्रिक टॉप है इसको आप टॉप भी बोल सकते हो समेट्रिक टॉप अर्स्मेट्रिक टॉप ओके okay? लीनियर टॉप या फिर आप बोल सकते हो स्फेरिकल फेरिकल टॉप सो so, इन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल अर्समेट्रिक टॉप है जिसमें एक्सिस होगी सीटो एक्सिस किस में है बी एच टू सी एल में है ओके सो बी एच टू सी एल क्या होगा हमारा ऑप्शन सो so, ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एच इन टू टू ओके एन क्या है आपके पास नंबर ऑफ सब्सिट्यूशन पॉसिबल नंबर ऑफ सब्सिट्यूशंस पॉसिबल ओके सो आपके मॉलिक्यूल में हम कितनी सब्सिट्यूशन कर सकते हैं वो है आपके पास एन सो so, देखो जैसे हमारे पास है ये मोलिक्यूल इसके हमने नंबर टोटल नंबर ऑफ चीज़ आइसोमर्स आते हैं ओके टोटल नंबर ऑफ़ चीज आइसोमर्स सो वो सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है इसका पॉइंट ग्रुप क्या सी टू वी पॉइंट ग्रुप है ये सी टू एक्स मैंने पहले भी करवाया हुआ है इसका पॉइंट ग्रुप है सी टू वी ओके सो इसमें कितनी सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है कितनी सब्सिट्यूशन पॉसिबल है आ, आप इस पोजिशन पर कुछ भी लगा सकते हो इस पे इस पे इस पे इस पे ओके okay? इन पाँच पोजिशन पर आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो सो मीन्स एन की वैल्यू कितनी है फाइव ओके सो जो आपके पास नंबर ऑफ चीज़ आइसोमर्स हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वो किसके इक्वल हो गया नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसके इक्वल हो गया एन फैक्टोरियल मीन्स फाइव का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इस पॉइंट ग्रुप का सी टू वी का ऑर्डर कितना होता है फोर इंटू टू ओके सो इसको सोल्व कर लेना वो आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ जा जाएंगे अगर आपके पास सपोज सी एच फोर का मोलिक्यूल है ओके सी एच फोर का मोलिक्यूल है इसमें आपने निकालना है कितनी सब्सिट्यूशन पॉसिबल हैं चारों के चारों एच सब्सिट्यूट कर सकते हो सो मीन्स फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ऑर्डर कितना होता है ट्वेंटी फोर ओके इंटू टू ये आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ओके ये आप सी एच फोर कैसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हो जैसे आप देखो इसका देखो यहाँ पे भी एक्स है एंड यहाँ पे भी एक्स है इसका पॉइंट ग्रुप क्या है डी टू एच सो इसमें अगर आप निकालोगे एंड की वैल्यू वन टू थ्री फोर कितने सब्सिशन पॉसिबल हैं चार फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑर्डर कितना है एट इंटू टू सो ऐसे आप नंबर ऑफ शीरो आइसोमर्स निकाल सकते हो ओके okay, सो so ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी अब हम कर रहे हैं जो भी पास ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यस फ्रेंड ये देखो हमारे पास ये चार क्वेश्चन हैं वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं बट सारे सेम सेम से हैं सो so, हम चार ही देख रहे हैं बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना ओके okay? सो so, इसमें देखो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आउट ऑफ ए जी बी जी ए यू एंड बी यू रमन एक्टिव मोड्स मोडसा रमन एक्टिव बताने हैं हमने कौन कौन से हैं सो so, आपने जब ऐसा कुछ दिया हो तो आपने सीधा ही जिसके साथ जी होगा वो क्या होगा रमन एक्टिव जिसके साथ जी होगा वही रमन एक्टिव होगा सो मीन्स ए जी एंड बी जी आर रमन एक्टिव ए जी एंड बी जी आर रमन एक्टिव सो so, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये करेक्टर uh, टेबल दिया हुआ है आपको बताना है ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने है इनमें से ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटली सिमेट्रिक नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज़ आई आर एक्टिव आपने कौन सी नॉर्म कौन सी मोड देखना है जो टोटली totally सिमेट्रिक है टोटली totally सिमेट्रिक कौन सा होता है जिसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन होता है सो टोटली सिमेट्रिक मीन्स ए वन ए वन को बोल रहे हैं कि आई आर एक्टिव है ए वन के आई आर एक्टिव है थर्ड कॉलम में देखो एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है सो ये आई आर एक्टिव नहीं है ये तो हो गया इनकोरेक्ट नेक्स्ट देखो ऑल आई आर एक्टिव मोड्स आर रमन एक्टिव सारे के सारे आई आर एक्टिव रमन एक्टिव है आई आर एक्टिव रमन एक्टिव नहीं है सारे के सारे बिकॉज ये देखो ये ए टू जेड है आई आर एक्टिव है बट यहाँ पे फोर्थ कॉलम में कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है सो रमन एक्टिव नहीं है सो हम ये नहीं कह सकते सारे के सारे आई आर रमन है नेक्स्ट सारे के सारे रमन बोलते आई आर है सारे के सारे रमन आई, आई आर भी नहीं है बिकॉज जो ए वन है वो रमन तो है क्वाड्रेटिक है रमन तो है बट एक्स वाई जेड नहीं है मीन्स आई, आई आर नहीं है ये भी क्या हो गया इनकोरेक्ट बच गया फोर्थ वो भी हम देख लेते हैं पेयर ऑफ आई, आई आर एक्टिव मोड्स दैट इज डी जनरेट ओके हमारे पास एक एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो आई आर एक्टिव मोड्स हैं वो हमें सेम ही लेवल पर दो मिलेंगे मीन्स डी जनरेट मिलेंगे सो so, ये हो सकता है सो so, ये देखो हमारे पास जो ई e है यहाँ पे जो एक्स है एंड वाई है ये दोनों के हमारे पास डी जनरेट हैं ओके okay? बिकॉज इन दोनों के ये क्या ई में ही आ रहे हैं दोनों के दोनों इनको हम क्या बोलते हैं डी जनरेट ओके सो ये हमारे पास पॉसिबल है पेयर ऑफ आई आर एक्टिव मोड्स दैट इज डी जनरेट ओके okay? सो so, ये हमारे पास होगा सेकेंड क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं पहले आप ये क्वेश्चन देख लो फिर आप ऊपर वाला देखेंगे क्योंकि फिर स्पेस हो जाएगी ओके सो अब देखो ये ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है बी सी एल थ्री का बट ये ऐसा जो हम बी सी एल थ्री लेते हैं वो नहीं है ओके okay? क्योंकि वो क्या होता है प्लेनर मॉलिक्यूल होता है बट आपको यहाँ पे क्या दी हुए तीनों के तीनों सी एल एक प्लेन में दिए हुए हैं एंड बी एक प्लेन में दिया हुआ है ओके सो अगर आप बी को ऐसे लिख रहे हो मीन्स जो सी एल हैं वो क्या है आउट ऑफ प्लेन ओके अगर आप बी को आउट ऑफ प्लेन ले रहे हो तो आप सी एल को अबव द प्लेन ले सकते हो ओके अब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन वाला कंसेप्ट है यहाँ पे सो so, आपके पास ना अब स्ट्रक्चर ये बन गई जैसे बी ऊपर है तो बी के साथ ये तीन तीन सी या हैं ओके okay? सो so, इसमें देखो अगर हम लगाएं आपको बताना है कि ये जो मोड है ये किस रिप्रेजेंटेशन का है ओके okay? सो so, देखो सबसे पहले हम ई लगाएंगे तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आएगा फिर हम टू सी फिर हम सी थ्री लगाएंगे जैसे हमने सी थ्री लगाई ओके okay, जैसे ही हम C3 लगाएंगे जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं जो नीचे हमारे पास तीन क्लोरीन एटम्स हैं वो नीचे ही रहेंगे ओके okay? मींस कोई चेंज नहीं आएगा सो so, हमारे पास क्या हो जाएगा सी थ्री का वन हो जाएगा ई e का भी वन सी थ्री का भी वन फिर हमने देखना है सी टू जब हम सी टू लगाएंगे जब हम सी टू लगाएंगे जैसे हमने ये सी टू लगाई ये सी टू लगाई तो ये क्या है जैसे क्लोरिन बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन आ जाएंगे ओके okay? सो जैसे हम C2 टू लगाएंगे बोरोन और क्लोरीन में से पास करेंगे C2 जो क्लोरिनस ऐसे हैं वो क्या हो जाएंगे अब अबव द प्लेन आ जाएंगे ओके जैसे क्लोरिन बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन आ जाएंगे जैसे ही हम C2 टू लगाएंगे सो मीन्स C2 के विद रिस्पेक्ट टू ये अर्समेट्रिक है ओके नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिग्मा सिगमाएच जैसे ही आप सिग्मा एच लगाओगे सिग्मा एच कैसे होता है ऐसे बोरोन में से और तीनों के तीनों क्लोरीन्स में से पास करता हुआ बट यहाँ पे क्लोरिनस में से तो नहीं पास कर सकता सो सो हमने ये सिग्मा एच लगाया जैसे ही हम सिग्मा एच लगा लगाएंगे वो भी क्या होगा तीनों के तीनों क्लोरीन्स जैसे बिलो द प्लेन है वो अब द प्लेन आ जाएंगे ओके सो so, हमारे पास सिग्मा एच के साथ भी ये क्या हो गया ऑस्मेट्रिक जैसे एस थ्री है एस थ्री क्या होता है ऑब्वियसली सी थ्री इंटू सिगमा एच सिगमा एच लगाने से चेंज हो रहा है सो so, एस थ्री लगाने से भी चेंज हो जाएगा थ्री सिग्मा वीजा अगर आप सिग्मा वी लगाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा जैसे आपने सिग्मा वी लगाया न, ये दोनों क्लोरिन नीचे ही रहेंगे ओके सो मीन्स प्लस वन आ जाएगा सो ये देख लो आप किससे मैच कर रही है वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन सो मीन्स ए टू डबल डैश सो so, इसका जो हमारे पास ये ये वाला मोड कौन सी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहा है ए टू डबल डैश ओके सो ये भी पहले एग्जाम में आया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है सिस ब्यूटाडाइन का है जिसका पॉइंट ग्रुप सी टू वी है ओके okay? सो so, इसमें वाइब्रेशनल मोड्स जो ए टू के हैं वो इनएक्टिव हैं ओके ए टू के वाइब्रेशनल मोड्स इनएक्टिव हैं आपने बाकी सारे आई आर एक्टिव मोड्स निकालने हैं ओके आई आर एक्टिव मोड्स जो ए टू के हैं वो इनएक्टिव हैं आपने सारे के सारे क्या निकालने हैं बाकी जो रह गए आई आर मोड्स निकालने हैं सो so, सबसे पहले तो हमने लिखना है इसकी रिप्रेजेंटेशन टू थ्री एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो हमने देखी हुई है क्या आती है थर्टी जीरो टेन जीरो ओके थर्टी जीरो टेन जीरो सब सो अब हमने क्या निकालना है अब हमने निकाली है कि इस रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितने हमारे पास ए वन ए टू बी वन एंड बी टू है ओके ए वन ए टू एंड बी वन एंड बी टू की हमने वैल्यूज़ निकालनी है सो so, वो हमने पहले निकाली थी लास्ट लास्ट वीडियो में हमने निकाली है सो so, वो आपके पास क्या आ जाता है टो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थ्री एन इज इक्वल टू टेन ए वन प्लस फाइव ए टू प्लस टेन बी वन प्लस फाइव बी टू ओके आप करके भी देखना आपके पास ये आ जाएगा अब देखो अब आपने निकालना है आई आर मोड निकालने आई आर मोड्स निकालने के लिए वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए पहले आपने क्या करना पड़ेगा ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो ए में ए वन भी ट्रांसलेशनली एक्टिव है ए ट्रांसलेशनली इनएक्टिव है ये ना आपको थर्ड एंड फोर्थ कॉलम कंबाइन करके ही दे दिए ओके थर्ड एंड फोर्थ कॉलम कंबाइन करके दे दिए ये देखो ए तो है ट्रांसलेशनल बी ए टू ए टू ट्रांसलेसनल नहीं है बिकॉज आर एक्स एंड एक्स वाई ही है एक्स वाई क्या है क्वाड्रेटिक क्या है एक्स okay? वाई को आप अगर कोमा हो बीच में तो लेना है आपने ट्रांसलेशनल एक्स वाई क्या मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन में मीन्स ये क्या है क्वाड्रेटिक है ओके सो ए टू तो नहीं है ट्रांसलेशनल बी वन ट्रांसलेशनल है बी टू ट्रांसलेशनल है फिर आपने देखना है ये तो ट्रांसलेशनल हो गया फिर आपने देखना है रोटेशनल रोटेशनल देखो अब ए वन रोटेशनल नहीं है ए टू रोटेशनल है बी वन रोटेशनल है बी टू रोटेशनल है ओके okay, सो so, अब अब आपके पास क्या जाएंगी? आ जाएंगी वाइब्रेशनल डिग्रीज़ ऑफ़ फ्रीडम आ जाएंगी सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई नाइन ए वन आ गया ओके okay, आपके पास फोर ए टू आ गया नाइन ए वन फोर ए टू एट बी वन एंड आपके पास क्या आ गया थ्री बी टू थ्री बी टू अब देखो इन्होंने बोला हुआ है कि जो ए टूज़ ना जो ए टू मोड्स हैं वो आई आर इनएक्टिव ए टू मोड्स आई आर इन एक्टिव है आपने बाकी सारे आई आर एक्टिव मोड्स बताने हैं ओके सो so, बाकी सारे आई आर एक्टिव मोड्स कौन से हो गए अगर आप ए वन में देखो ए वन में देखो ए वन आई आर एक्टिव है यस yes, है बिकॉज जेड है यहाँ पे अगर आप बी वन देखो B1 वन में भी एक्स है B2 में भी वाई है सो so, मीन्स आपके पास जो वाइब्रेशनल जो आई आर एक्टिव मोड्स बच गए वो क्या बच गए आई आर एक्टिव मोड्स ये सारे आई आर एक्टिव जो A2 है ए टू आई आर एक्टिव इन्होंने बोला है ए टू आई आर एक्टिव नहीं है ये हमें देख के पता चल रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्स एंड वाई नहीं है ओके सो so, हमने क्या लेना है नाइन ए वन प्लस एट बी वन प्लस थ्री बी टू ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया आई आर एक्टिव मोड्स क्या हो गए नाइन ए वन एट बी टू एट बी वन एंड थ्री बी टू ओके सो so, ये हो गया आपके पास आई आर एक्टिव मोड्स आई आर एक्टिव मोड्स अगर आपके वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा जाए आपसे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा जाए तो ये सारी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है अगर आई आर एक्टिव मोड्स पूछा जाए तो ये आई आर एक्टिव मोड्स हैं ओके अगर आपको वैल्यूज में आ रहा है कि इनमें से बताओ कितने आई आर एक्टिव मोड्स हैं तो कितने हैं नाइन प्लस एट प्लस थ्री ओके ट्वेंटी मोड्स आर आई आर एक्टिव ओके अगर आपसे पूछा जाए टोटल वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है नाइन प्लस फोर थर्टी प्लस थ्री सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आज देयर ओके सो ऐसे आपने ये सारा क्वेश्चंस करने होते हैं आपके पास ना आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है ओके सो एक्स पोलराइज एंड वाई पोलराइज के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए क्योंकि मैंने वो आपको वहीं पे ही बता दिया था उसमें कुछ भी नहीं करना आपने मल्टीप्लाई करके देखना है जहाँ से आप ट्रांजिशन कर रहे हो पोलराइज के लिए आपने देखना है एक्स पोलराइज वाई पोलराइज एंड जेड पोलराइज जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ देखना है एक्स है कि वाई है कि जेड है ओके अलाउड एंड फॉरबिडन के लिए देखना फॉरबिडन तब होगी जब आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके साथ में कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है वो ट्रांजिशन क्या हो जाएगी फॉरबिडन ओके सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए थैंक यू